कोशिश करिए कि आप लोग कंफ्यूज रखें कि हीरो कौन है, विलन कौन है। आई थिंक ये नया दौर है कि हीरो भी विलन बन सकते हैं, उनमें भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। और वही कोशिश करिए, मोहित सूरी की जो फर्स्ट लाइन थी उन्होंने मुझे बोली, तो कहते हैं कि कहानी एक विलन की। इस फिल्म में तो एक्चुअली कोई हीरोज है ही नहीं, और ये फिल्म है विलन के बारे में, और मैं हूँ इस फिल्म में जो दो ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स के बीच में हूँ। और आयशा जो है मेरे किरदार का नाम, वो हमेशा खुश रहती है, फुल ऑफ लाइफ रहती है, दूसरों की मदद करना चाहती है और चाहती है कि लोग हंसे और खुश रहे। एक जोक करके हमेशा जोक्स क्रैक करती है, भले ही कोई और उसकी जोक्स पे ना हंसे, वो खुद हंस देती है, खुद को बहुत फनी समझती है और बहुत बातें करती है। और इस समय की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से गाना गा रहा है। आशी टू वे जितना मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि जो लेवल सिंगिंग का था आशिकी टू में, वो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाती। एंड तो उन्होंने एक विलन में मुझे मौका दिया और एक बहुत ही खूबसूरत गाना दिया उन्होंने मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं चाहती आई हूँ कि आई कुड सिंग फॉर माई फिल्म एंड आई एम डूइंग दैट नाउ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म के लिए गाना गा रही हूँ। तब मैंने तुम्हें मिला बालाजी मोहित सूरी, एंड उन्होंने बताया कि ये पिक्चर में कॉन्टेंट ये है, ये किरदार है जो नेगेटिव है। तो आई थिंक कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि आज करें या कल करें, कोई गारंटी है, गारंटी नहीं है कि अगर मैं और कोई पिक्चर करूँ या किसी और जॉनर की पिक्चर करूँ वो भी चलेगी। आई थिंक हर पिक्चर में एक रिस्क होता है। मुझे पहली एक तो कहानी पसंद है, दूसरा आई थिंक जो मोहित सूरी डायरेक्टर थे उनके इस कहानी के, वो एकदम करेक्ट है ऐसे जॉनर के लिए। क्योंकि अगर कोई ये शायद नए डायरेक्टर के साथ आती है इसके, तो मैं शायद नहीं एक्सेप्ट करता है जाता इसके लिए इतना एक्साइटेड होते। तो आई थिंक मोहित वॉज रियली करेक्ट फॉर इट, एंड बी वॉज सो एक्साइटिंग कि इतना कुछ नया करने के लिए। आई थिंक लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तब आप कुछ करें, तो एक सरप्राइज फैक्टर, एक आउट ऑफ द बॉक्स फैक्टर आता है, और वही मुझे शायद पसंद है। अभी होपफुली 27th लोग पिक्चर देखेंगे तो सिमिलर रिएक्शन होगा जो ट्रेलर देखे हुआ। पूरी भड़ास निकाल दी इस रोल में, और जो लाइट की काम और कंपोज लग रहा है, तो सारे जो एंगल इश्यूज थे उन्होंने निकाल दिए। एक्चुअली बिल्कुल नर्वस नहीं हुए थे, मैं नर्वस हो रही थी इनके लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं ट्रेन हूँ और मैंने तो प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और इन्हें तो एक ही दिन में सीखना था, तो मैं इनके लिए नर्वस हो रही थी। पर छुट्टी पहले दिन ही इन्होंने छलांग मारी पानी के अंदर और ये इतने कंफर्टेबल हो गए थे, और मैं तो काफ़ी शॉक थी और पूरा मजा ले रहे थे डाइविंग का अंडर वाटर। और हम दो दिन एक्चुअली अंडर वाटर हमने शूटिंग की, तो बहुत मजा आया, और बहुत मजा आया। और हमने एक लैंग्वेज ही अपना बना लिया था वाटर कम्युनिकेट करने का। और इस फिल्म के लिए मैंने बाइकिंग एक बुलेट चलानी सीखी, तो ऑब्वियसली मैं 5.5 की हूँ, और एक बुलेट जो है एक बहुत ही बड़ी बाइक है, तो डेफिनेटली मज़ा तो बहुत आया। और एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जो है आयशा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर कि वो बुलेट चलाती है, वो खुद हवा की तरह है, तो जब वो बुलेट पे भी है तो शी फील्स लाइक यू नो फ्री राइडिंग द बाइक। कि बाइक पर हमने कोशिश करी क्योंकि टाइम नहीं पहुँच रहे थे, हमने सोचा कि वो साइड में जो पहिए लगाते हैं साइकिल वैसे लगाने की कोशिश करी, पर वो डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, तो हमने इनको वैसे ही चलाने दी। और जो सबसे टफ आई थिंक एक्शन सीक्वेंस था, या इनके साथ पीछे बैठना बाइक, क्योंकि जब ये ब्रेक लगाती मुझे नहीं पता कब लगाती, और मेरे पास पहुंचे थे इनके नहीं, तो कभी भी जब भी हमारे मेरे साथ ही तो यू नेवर फेल लाइक वी नीड, है ना। आई नेवर फेल लाइक एग्जैक्टली, जब मैं अकेला जा रही थी मैं गिर गई। सपोर्ट आपने, आपकी टांग हो रही, शुक्रिया, ये लंबी टांग है। एक्चुअली मतलब आप बात करें कि मैं आंखें बंद करके गाती हूँ, क्योंकि नोट मुझे पहुंचने में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद करके गाती हूँ। एंड ऑफकोर्स जितना ज्यादा गा रही हूँ मैं, आई कैन फील कि यू नो और ज्यादा मैं इंजॉय भी कर रही हूँ और आवाज खुली जा रही, तो मजा आ रहा है। दोनों के नेगेटिव शेड्स, वेल आई थिंक कि सब में नेगेटिव शेड्स होते हैं और सब में एक विलन होता है, और वो हमारी कंट्रोल में रहता है कि हम उसको कितना बढ़ावा दें और कितना नहीं। तो या और दैट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। रितेश भी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने भी कुछ अलग करने की कोशिश करी है, उन्होंने बहुत पिक्चरें करी है पहले, बट अलग किस्म के जॉनर है, तो उनके लिए भी एक नया किरदार है,
एंड वो भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. बेशक हम दोनों जब कहते हैं नेगेटिव तो हम लोग बाय एक्शन नेगेटिव चीजें नेगेटिव बाय एक्शन नेगेटिव कैरेक्टर जो हम चीज़ें करते हैं पिक्चर में नेगेटिव है. मे बी मैं ज़्यादा लाउड या अग्रेसिव या फिजिकल हूँ वो स्लाइटली मोर अनअज्यूमिंग या आपको शायद देखने से ना लगे बट वही इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये कहानी में मोहित सूरी ने दो नेगेटिव कैरेक्टर्स जो अलग अलग किस्म के हैं और कैसे उनकी कहानियाँ एक साथ आती हैं वही है एक मौसम में आप स्लाइटली मोर थोड़ा एक रोमांटिक सा मौसम लोग कहते हैं बारिश होता है या जो क्लाउड होते हैं या कभी कभी हर चीज़ हरियाली बढ़ जाती है लुक्स स्लाइटली मोर रोमांटिक. सो अभी तो हम लोग गलियां ही सुन रहे हैं गलियां सुन रहे हैं और बंजारा भी उसमें एक्चुअली एक रेन का मोमेंट भी है तो वो भी बहुत खूबसूरत सुनाई. इधर भी सनी देओल का गाना था जो बारिश में उन्होंने गाया था चार गाना है क्या गाना ना जाने कहाँ से आई है ना जाने कहाँ हो जाएगी. आई थिंक वो गाना बहुत ही फन है उसमें जो आई थिंक उसमें बारिश का एलिमेंट भी है एंड दैट फिल्म इज वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे वो याद है बॉलीवुड में बहुत सारे हैं आई थिंक हमारे कितने आइकॉनिक विलन कैरेक्टर्स हैं चाहे वो मोगैम्बो हो या गब्बर हो या शाकाल हो. आई थिंक मेरे जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगे जो सारे हीरोज ने प्ले करे हैं जो शाहरुख खान इन डर या बाजी कर और संजय दत्त इन खलनायक और इवन रिसेंटली अग्निपथ. आई थिंक इन दोनों में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब ये लोग हीरोज नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे उनकी एक लाइकेबिलिटी फैक्टर तभी भी वहाँ थी. आई थिंक आप उनको वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करते थे अपने एक्टिंग के थ्रू. तो आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वालिटी है दोनों. तो इस फिल्म में मतलब आयशा जो है मेरा कैरेक्टर वो एक विलन को सुधारने में चली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है. गुरु जो है वो बहुत कम बोलते हैं आयशा जो है वो चुप बैठने का नाम ही नहीं लेती और ये जो है वो इतनी बातें करती है कि उन्हें हमेशा एक सड़ू लुक देते रहते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दो इतने ऑपोजिट कैरेक्टर्स में प्यार हो जाता है तो लोगों को आई थिंक वो एस्पेक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. मैं तो बहुत आई नेवर बीन टू कपिल शो इस बारी मतलब उम्मीद है कि जाने का मौका मिलेगा. मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब उनके शो पे जाऊँ और ये अफसोस की बात है कि दिस शो इज कमिंग टू एन एंड. इट्स रियली सैड. बहुत ही बढ़िया शो है. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप लोग अभी भी काफी अच्छे दोस्त हैं. जब हम लोग बातें करते हैं हमें हंसी आती है इसके बारे में कि लोग ऐसे कुछ सोच रहे हैं. रिसेंटली ऐसा हम पी स्ट्रोलर मैंने उनको फोन किया और उन्होंने मेरा गाना देखा तो उसने को फोन किया और हमने बहुत कोशिश करी गाड़ी करने की बोलते हैं गाड़ी क्रॉस करके हंस पड़े तो ऐसा कुछ भी नहीं. तो मेरे डैड ने एक फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उनको बहुत पसंद आई. उनको मोहित सूरी की सारी फिल्में पसंद आती है तो बहुत ही एक्साइटेड है कि बहुत टाइम के बाद एक फिल्म लोगों को देखने को मिलेगी जहाँ पे कोई हीरोज नहीं है विलन है. जरूरत थी एंड आई थिंक आलिया में अलग क्वालिटी से वो एक खुद ही जो उनकी पर्सनैलिटी है वो ऑफ कैमरा भी काफी सिमिलर रहती है. वो आई थिंक उन्हें जो ऑन कैमरा लेके आती है शी हैज मोर नेचुरल एलिमेंट बिकॉज द काइंड ऑफ रोल शी हैज. So yeah, I think aggressive, non-aggressive में कोई सवाल विलन हंसते हंसते उस पर खून आ जाता है या अगर ज़रा हंसेंगे तो आप तो हंसा मना है हमारी पिक्चर में तो हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं कि इस पिक्चर में हंसेंगे नहीं रोएंगे. मैंने कुछ गिरा दिया था इसलिए मैंने दो लगाया अभी इसको एक को कवर करने के लिए. पर डेफिनेटली जो स्माइली है हमारी फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट थीम है और ये किसका खून है ये आपको पता चलेगा 27 जून. मैं शायद मैं अभी तक नहीं मिला उनसे. काश मैं मिल पाता उनसे पहले डिस्कस कर पाता स्क्रिप्ट के बारे में तो अभी तक तो नहीं किया. होपफुली हम पिक्चर देखेंगे और हमें कुछ बताएंगे कि कैसा काम. मैं मतलब इतनी बड़ी फैन रही हूँ क्राइम मास्टर गोगो की भले ही वो मेरे डैड है पर जिस तरीके से उन्होंने एक कॉमेडिक एंगल उस विलन के किरदार में डाला आई थिंक I don't think anybody can beat that. So yeah, and also I think शाहरुख खान इन डर बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने अंजाम में भी और जिस तरीके से वो वल्नरेबिलिटी लाते हैं टू अ विलन्स रोल आई थिंक दैट्स वेरी लाइकेबल. आई थिंक एसेंशियली ऐसा मैं कह रहा हूं ये बुरे आदमी की लव स्टोरी है एक विलन की लव स्टोरी है. तो विलन की लव स्टोरी है तो उसमें थिन एंगल तो होगा ही बिकॉज इतना बोरिंग है डिसाइड एंड क्वाइट नहीं होगी. फिर उसके साथ साथ एक सस्पेंस एंगल भी है बिकॉज उसका नैरेटिव जो है
जो जैसे कहानी बताई गई है वो एक पॉइंट ए पॉइंट बी से नहीं है, उसका लीनियर नहीं है, जैसा कि हम कहते हैं, तो नैरेटिव आगे पीछे चलता है, तो कहानी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, तो उसी के दौरान एक सस्पेंस आने लगी। जैसा कि मैंने कहा कि बुरे आदमी की लव स्टोरी है, जैसा कि एक अच्छे या करेक्ट कैरेक्टर्स की नहीं है, इसमें सब कैरेक्टर्स नेगेटिव शेड में है, स्पेशली द मेन टू मेन इन दिस, एंड कैसा कि एक बुरे आदमी को भी प्यार हो सकता है और उसकी लव स्टोरी कैसे होगी, देन वी हैव मोर स्टोरी सॉन्ग्स, एंड देन या आई थिंक टू सी ऑल ऑफ अस डू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। फिल्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, और जो हम एक फिलॉसफी जो मैं बोलती हूँ मेरे डायलॉग्स में है, जो है अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है, तो कैसे इस सेम का थीम किस तरह से ये सेम इस थीम इस फिल्म में अनफोल्ड होती है और कैसे कैरेक्टर्स को इस थीम का एहसास होता है, तो आई थिंक पीपल शुड गो एंड वॉच इट फॉर दैट ऑल्सो।